अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैराबोला। पैराबोला के अंदर क्या आ रहा है जी? फर्स्ट कॉर्नर सेक्शन हम जो देख रहे हैं, पैराबोलिक कर्व क्या होता है? एक रिफ्लेक्टर कर्व होता है जो कि जैसे एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो इस टाइप से बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जनरल इक्वेशन जो देखी जा रही है पैराबोला की, वो क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ अगर नेगेटिव डायरेक्शन में देखते हैं हम एक्स के, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। यहाँ पर एस जो ए जो कंडीशन आ रही है हमारे पास, ए क्या है यहाँ पर? फोकस पॉइंट को डिनोट कर रहा है। जैसे एस जो ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं? फोकस पॉइंट ले रहे हैं, फिक्स पॉइंट। इसी टाइप से अगर वाई एक्सिस पे देखते हैं हम, तो इक्वेशन क्या बन रही है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जहाँ पर फोकस पॉइंट क्या आ रहा है? 0, a। अगर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देखते हैं तो वो क्या आ रहा है? 0, -a। तो ये दो रिफ्लेक्टर्स हमने देखे कि एक तो एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि पॉजिटिव एक्स में और नेगेटिव एक्स में, और एक पॉजिटिव वाई में और नेगेटिव वाई में। तो हमने इस टाइप से ये कर्व ड्रॉ किए। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर्व देखेंगे कि किस टाइप से कर्व ड्रॉ हो रहे हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही है अपने पास। स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे कि हमने देखा क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं वो देखते हैं अपन। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax देखा अपने, एक सिंपल सी जनरल इक्वेशन बनाई, स्टैंडर्ड कर्व बनाया, वाई स्क्वायर 4ax का एक रिफ्लेक्टर कर्व बनाया, जिसमें हमने एस देखा। एक्स क्या है? एक फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट मीन्स फोकस। इसका फोकस पॉइंट क्या आ गया? 1, 0। अगर ये कंडीशन जहाँ पर ए है, तो वो कंडीशन क्या आ गई? 1, 0। जैसे कि कॉनिक सेक्शन में हमने देखा था कि एस एक फिक्स पॉइंट है और पी पॉइंट हमने क्या लिया? कर्व पे लिया, कहीं पे भी कर्व पे ले रहे हैं। और डायरेक्ट्रिक्स हमने एक फिक्स लाइन ली, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है जो कि फिक्स लाइन है। ये कंडीशन क्या आ रही है? जितना फोकस है उतने ही ओरिजिन से उतने डिस्टेंस पे जा रही है, कितना? -1, 0। अगर ये यहाँ पर अगर कंडीशन हम बनाते कि -1, 0 है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आती? 1, 0 पे। अगर फोकस ये है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर आएगी? 0, -a पे। अगर 0, -a पे ये फोकस है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर आ रही है? 0, a पे आ रही है। सो जस्ट बैक साइड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या सीखा था कि एस पी इक्वल टू ई पी एम। एस पी मतलब यहाँ फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट जो कि कर्व पे है उसका डिस्टेंस, और डायरेक्ट्रिक्स से फिक्स पॉइंट का, डायरेक्ट्रिक्स से जो पॉइंट हमने लिया है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है हम देख रहे हैं। तो एस पी इक्वल टू ई पी एम, ये हमको पता था क्या है? इसेंट्रिसिटी। तो पैराबोला की बात हो रही है, तो हमने देखा था कल कि इसेंट्रिसिटी क्या थी? ई इक्वल टू 1 थी फॉर पैराबोला के लिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं इसको कि एस पी का स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है? एक्स माइनस ए का स्क्वायर देन वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम देखते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है? ये वाली जो इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की, वो इक्वेशन क्या है? तो यहाँ से इक्वेशन जो आ रही है वो आज बन जाएगी एक्स प्लस ए। यहाँ से पी एम की जो इक्वेशन अपन देखेंगे तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स प्लस ए या फिर ए प्लस एक्स। स्क्वायरिंग है तो क्या हो गया? स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आएगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन राइ हुई किससे? एस पी इक्वल टू ई पी एम। हमने देखा था कॉनिक सेक्शन की जितनी भी जनरल इक्वेशंस हैं, जितनी भी इक्वेशन सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो, किससे ड्राइव हो रही है? इस फॉर्मूले से ड्राइव हो रही है, जहाँ पर ई वेरी करेगा हर एक कॉनिक सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं पैराबोला की, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला का मतलब क्या हुआ? अगर कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो वो किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है तो वो किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे ही है, लेकिन किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब कि एक्स एक्सिस के लिए देख रहे हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ये क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं अबाउट एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हमको कर्व पता होना चाहिए, कर्व कहाँ ड्रा होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट था हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay प्लस माइनस में इस टाइप से। तो ये सिमेट्रिक कहाँ है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पे हमने बना दिया इस पे, तो ये हो गया सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। आगे पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वर्टेक्स। जैसे कि हमने एक कर्व बना लिया, स्टैंडर्ड कर्व बनाया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कर्व बनाया, तो वर्टेक्स हमने देखा था क्या था कि एक्सिस का इंटरसेक्शन और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ आ रहा है वहाँ वर्टेक्स हो गया। तो ये ए पॉइंट क्या डिनोट करेगा?
वर्टेक्स, जो कि एक्सिस का इंटरसेक्शन और कर्व का इंटरसेक्शन दोनों लेके जा रहा है। ये एक्सिस आ गया और ये कर्व कंडीशन भी आ गई हमारे पास, तो ये एक्सिस पॉइंट यहाँ से वर्टेक्स निकल के आ जाएगा, जो कि कितना है ओरिजिन के अकॉर्डिंग 0,0। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं वो आगे देखते हैं। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि क्यू क्यू डैश, इसमें क्या आ रहा है कि एक पर्पेंडिकुलर जो लाइन खींची जा रही है, एक्सिस के पर्पेंडिकुलर जो लाइन खींची जा रही है और कर्व पे दो एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको, एक तो मिल गया क्यू और एक मिल गया क्यू डैश, तो ये कहलाएंगे डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट कैसे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो इसे हम बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट। तो ये क्यू क्यू डैश ले लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने इसका एप्सिसा एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं एच। अगर ये एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में पुट करते हैं हम, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, एच पुट कर दिया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2√ah, प्लस माइनस में आएंगे तो अगर प्लस वैल्यू लेते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर में चला गया, तो क्या हो गया एक्स की जगह तो हमने क्या लिया था एच, और वाई की वैल्यू क्या निकल के आई, 2√ah। क्यू डैश क्या आ गया हमारे पास, एच माइनस 2√ah। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डबल ऑर्डिनेट की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो नेक्स्ट इसमें आया है लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम क्या होता है कि वो भी एक लाइन होती है जो कि होती है पर्पेंडिकुलर टू एक्सिस, बट ये पर्पेंडिकुलर टू एक्सिस होती है लेकिन कहाँ से पास होनी चाहिए, ये फोकस से पास होनी चाहिए। जैसे कि ये लाइन, ये भी पर्पेंडिकुलर टू एक्सिस है लेकिन कहाँ से पास हो रही है, ये फोकस से 0,0 से। ये भी एक लाइन थी जो कि पर्पेंडिकुलर टू एक्सिस थी लेकिन ये फोकस से पास नहीं हो रही थी, इसलिए उसको हमने क्या कहा, डबल कोऑर्डिनेट। लेकिन ये भी एक लाइन, इसको भी डबल कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं लेकिन इसको लैटिस रेक्टम भी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो जैसे कि हमने इसके पैरामीटर्स लिए थे ऐसे इसके लेते हैं, तो यहाँ से हमको पता है कि एक्स एप्सिसा जो है वो ए है, तो ये पॉइंट इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक कंडीशन में हमने जब ये पुट कर दिया एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, तो एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a, एक तो प्लस आएगी और माइनस 2 आएगी, जैसे कि हमने ये वैल्यू निकाली थी ऐसे ही कैलकुलेट करके ये वैल्यूज आएगी। तो इनका अगर डिस्टेंस फॉर्म लेंगे l और l डैश का डिस्टेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगी, लेंथ आ जाएगी इस l l डैश की, मतलब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ये हमें काम आएगी आगे बहुत, कि 4a लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, मतलब कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो फॉर्मूला होता है उसमें 4a क्या होता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। अब बात कर रहे हैं फोकल कॉर्ड के लिए। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, मतलब कोई भी एक लाइन जो कि फोकस से पास होती हुई जा रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, फोकल कॉर्ड। जैसे कि एफ एफ डैश, एल एल डैश भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फोकस से पास होती हुई जा रही है, तो और एफ एफ डैश भी बोल सकते हैं जो कि क्या है, फोकस से पास होती जा रही है, वो लाइन जो कि कहाँ से पास होती जा रही है, फोकस से पास होती जा रही है और उसके एंड पॉइंट्स कहाँ हैं, कर्व पे हैं। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस या फिर फोकल लेंथ एक ही बात है, इसको हम क्या बोल देंगे, फिक्स पॉइंट, मतलब कि फोकस से पी पॉइंट का डिस्टेंस। पी पॉइंट हमने क्या लिया था, पी पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द कर्व या फिर लोकस ऑफ पॉइंट ऑन कर्व, तो पी से एस का जो डिस्टेंस होगा वो क्या, उसे हम बोलेंगे फोकल डिस्टेंस या फिर फोकल लेंथ। और पैराबोला की बात हो रही है तो हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, एस पी इक्वल टू ई पी एम, लेकिन पैराबोला में ई क्या है, वन है, तो एस पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी एम के इक्वलेंट हो जाएगा, और पी एम की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस ए। तो फोकल डिस्टेंस पैराबोला के अंदर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस ए, जब हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट ऑन द पैराबोला y square equal to 18x for which the ordinate is 3 times the abscissa is, मतलब इसमें कंडीशन क्या बताई है कि एक पैराबोला की इक्वेशन दे दी और उस पर एक पॉइंट पूछा गया है, पॉइंट के लिए बताया गया है इसमें कि फॉर विच द ऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स, मतलब उसका जो y है वो 3 टाइम्स है उसके abscissa के, तो हम ले सकते हैं y equal to कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ x हो गया, तो ये हमें मिल गया इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो y इक्वल टू 3x जब इसमें हम पुट करते हैं तो 3x का स्क्वायर इक्वल टू 18x, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के गई। जब x की वैल्यू 2 निकल के आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 2,6।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, द इक्वेशन ऑफ द डायटिक्स ऑफ द पैराबोला. डायटिक्स इक्वेशन ऑफ डायटिक्स हमको चाहिए किसकी, पैराबोला की. पैराबोला क्या है, जब 5y² = 4x. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा है, इसको पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं. तो इक्वेशन ऑफ डायटिक्स हमको पता है वैसे तो अब कैसे अरेंज करेंगे कि वाई स्क्वायर 5 को नीचे डिवाइड कर दिया, तो y² = 4/5x. तो हमारे पास इक्वेशन जो होती है, कंपेयर करते हैं y² = 4x, पैराबोला की इक्वेशन ये होती है. तो कंपेयर किया तो यहाँ पर 4a, तो जो 4a यहाँ है कि अपने पास, तो 4a किसके इक्विवेलेंट है, 4/5 के. तो 4a = 4/5, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/5. तो यहाँ से डायरेटिक्स जो होती है, हमने देखा था कि x = a अगर फोकस है तो x = -a क्या हो जाएगा, डायरेटिक्स हो जाएगी. और अगर x = -a फोकस है तो डायरेटिक्स क्या हो जाएगी, x = a. तो पॉजिटिव में है तो x = -a क्या हो गई, डायरेटिक्स हो गई. और यहाँ पर अपने पास a कितना था, 1/5, तो वैल्यू क्या आ गई, -1/5. तो इसको x को जब इसके इक्विवेलेंट कर रहे हैं तो सिंपल इक्वेशन क्या निकल के आ रही है हमारे पास, 5x + 1 = 0. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, द पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 8x हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज 8. मतलब एक पॉइंट पैराबोला पे कहीं पे भी है जो कि हम ले रहे थे लोकस पॉइंट, वो पॉइंट कहीं पे है, उससे फोकस का डिस्टेंस मतलब के फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस हो गया वो कितना है, 8. क्योंकि फोकस से पी पॉइंट का डिस्टेंस जो हमने क्या लिया था, फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट से हमको पता करना है कितना है. तो हम मान लेते हैं जब पी पॉइंट हमको ही पता, तो पी पॉइंट हमने लिया x1, y1. तो पॉइंट ऑन द पैराबोला के अकॉर्डिंग हम जो देख रहे हैं, और एस फोकस है, तो हमारे पास क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन आती है, SP = EPM के अकॉर्डिंग E पैराबोला में 1 हो गया. PM जो डिस्टेंस पैराबोला में कितना आया था, x + a, जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था. तो ये हो गया x1 + a, क्योंकि x की जगह क्या लिया हमने, x1. तो x1 + a, तो फोकल डिस्टेंस हमारे पास है, लेकिन a हम जब निकाल सकते हैं जब इक्वेशन हमारे पास है, तो यहाँ से 4a = 8 हो जाएगा. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2. a की वैल्यू हमें मिल गई, फोकल डिस्टेंस SP फोकल डिस्टेंस है जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. तो ये कैलकुलेट करते हैं, तो 8 = x1 + 2, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, जो कि हमने पॉइंट एप्सिसा जो है वो हमने निकाल लिया, कितना आ गया, x1 = 6. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर, इफ द पैराबोला y² = 4ax पासिस थ्रू -3, 2, देन लेंथ ऑफ इट्स लैटर सेक्टर. अब पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, जो कि पैराबोला कहाँ से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, और लैटर रेक्टम की लेंथ निकालनी है. तो लैटर रेक्टम कितना होता है, हमको पता है जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग y² = 4ax है, तो 4a क्या आती है, लेंथ आ रही है. अब ये पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर दिया. तो x की जगह तो -3 पुट कर दिया और y की जगह 2 पुट कर दिया. सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3. और लैटर रेक्टम हमको पता है कितना होता है, 4a. तो लैटर रेक्टम एक लेंथ है, तो लेंथ का भी नेगेटिव में नहीं लेते हम. तो a को हमने क्या ले लिया, मॉड में. तो अब इसकी कंडीशन क्या है, 4 into a, a क्या आ रहा है, -1/3. तो मॉड में लिया, तो मॉड में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4/3. तो लेंथ ऑफ लैटर रेक्टम इस पैराबोला की, इस पॉइंट से हम जो देख रहे हैं कंडीशन कितनी आ रही है, 4/3.